वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रेशम जो पसंद फूड के साथ। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी चिकन रैप, जो कि केएफसी स्टाइल का होगा और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत डिलीशियस होता है और ये बहुत जल्दी बनता है। तकरीबन 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। 10 मिनट्स इसके मैरिनेट के लिए होते हैं और 10 मिनट्स इसके फ्राई होने के होते हैं। सो ये 20 मिनट्स में बन जाता है। बहुत क्विक रेसिपी है। तो चले आए हम इसको ना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को, और मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके व्यूअर्स, ये मेरे पास 1 kg ब्रेस्ट पीस हैं, ठीक है। इसके मैं फिलेट्स बनाऊंगी और ये मेरे पास के स्पाइस हैं और विनीगर है। तो चले आए हम बताते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास फ्लैट है और मैं इसको बीच में से हाफ कर दूंगी और इस तरह मैं इसको हाफ करती जाऊंगी। ये मैंने काट लिए थे ब्रेस्ट को और इनके फ्लैट्स बना लिए हैं। अब मैं इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। ये सबसे पहले मैंने लिया है 3 tablespoons जो मैंने हर्ब मिक्स हर्ब लिए हैं और 1 tablespoon जो है मैंने रेड चिली लिए है। अगर आप लोग कम खाते हैं तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से डालें। रेड चिली के बाद मैंने 1 tablespoon जो है मैंने ब्लैक पेपर डाले हैं और 1 tablespoon जो है वो जाएगा सॉल्ट। एंड देन हम इसमें डालेंगे 100 ml विनीगर और मैं डालूंगी 1 ये मैं इसमें पूरा एक 1 लाइम डाल रही हूँ, उसको स्क्वीज कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। ओके, मैं इसको मैरिनेट करने के लिए 10 मिनट्स के लिए इसको केरिंग फ्रिज के लिए केरिंग फ्रिज से कवर कर दूंगी इस तरह फॉर 10 मिनट्स। और आफ्टर 10 मिनट्स देन वी विल फ्राई करेंगे हम इसे। सो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ 10 मिनट्स के लिए। ओके व्यूअर्स, जब तक हमारी जो है फिलेट्स जो है हमने मैरिनेट के लिए रखे हुए 10 मिनट के लिए, और इसी दौरान जो है मैं इसकी ना कोडिंग बनाना सिखाती हूँ। तो सो मैंने सबसे पहले 1/2 kg जो है मैंने प्लेन फ्लोर लिया है एंड मैंने इतना कप जो है ये कॉर्न फ्लोर लिया है, ठीक है। तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें जो फ्लेवर देने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, 1 tablespoon जो है वो मैंने लिया है ब्लैक पेपर किसी भी, और चिली फ्लेक्स भी है 1 tablespoon और मैंने 1 tablespoon सॉल्ट लिया है। और मैं इसको स्टेयर करूंगी ताकि ये बिल्कुल कैसे मिल जाए। इस तरह हमने इसको स्टेयर करना है। ओके व्यूअर्स, हम मेरी जो है और जो चिकन फ्लेट थे वो मैरिनेट हो चुका है, 10 मिनट्स हो चुके हैं। हम इसकी कोडिंग करेंगे देन हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये इस तरह मैरिनेट हो चुके हैं और काफी देखें प्रॉपर इसको जो स्पाइस से वो लग चुके हैं। और मैं क्या करूंगी, इसको इस तरह डालूंगी जो मैंने कोडिंग क्या वाला बनाया है। फिर इस तरह करके इसको मैं इसमें रखूंगी, फिर मैं इसको पानी में डिप करूंगी, फिर इस तरह इसको निकाल लेना एंड देन फिर हम इसको कि दोबारा जो है हम इसकी कोडिंग करेंगे, इससे इसका क्रिस्पी बनाएगा। आपकी मर्जी, अगर आपको मोर क्रिस्पी चाहिए तो आप इसको 3 times कर दें, लेकिन मैं सिर्फ 2 times करूंगी। मेरे ख्याल से 2 times जो है इनफ है। एक दफा मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह लिया, इसको मैं इस तरह रख दूंगी
ठीक है। ये इसमें बाद फिर हम इसको दोबारा रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब मैं इसको इसमें अपने फ्रायर में डालूंगी। मेरे फ्रायर के ऑयल पे ना जाइएगा, क्योंकि मेरा ये जो फ्रायर है ये फिल्टर वाला है। जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो उसके बाद मैं इसको फिल्टर कर लेती हूँ ऑयल को, तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ओके व्यूज, हमारा जो है चिकन जो है मेरी वो फ्राई हो चुकी है। ये देखिए ब्राउन हो चुकी है, और मैं अब इसको यहाँ इसका स्टैंड में कर दूंगी ताकि सारा ऑयल जो है वो नीचे चला जाए। और इन द मीन टाइम मैं क्या करूँगी, टोटेला को तो ये टोटेला लेके इसको मैं तवे पे थोड़ा सा सेकूंगी। बस इसको हमने 20 से 30 सेकेंड सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा वार्म कर देना, सेक लेना है। ठीक है, ये मेरा मैंने सेक लिया है, और इसी तरह मैं दूसरा भी मैंने ये बटर पेपर लिया है, इस पर मैं इसको रैप करूंगी। और ये मैंने बटर पेपर लिया, और अब मैं इसमें चिकन रख रही हूँ। इस तरह आपने रखनी है, देखिए चिकन कितनी क्रिस्पी और कितनी जमी बनी है। आपकी मर्जी है आप इसमें ज़्यादा डालें, और आपकी मर्जी आप इसमें कम डालें, या आते हैं। और ये मैंने घर में अपना सॉस बनाया हुआ है, चिली फ्लेक्स की बात बनाई हुई चटनी है। ये देखें इसमें मैंने, अगर आप स्पाइस खाते हैं तो ये स्पाइसी चटनी है, मैंने इसमें ये डाली है चिली सॉस है ये। इसी के साथ मैं मायो डालूंगी, इसे मैंने इस तरह मायो डाल दी है टोटेला में, और थोड़ा सा मैं इसमें केचप डालूंगी। और सिर्फ एक लेटर डालूंगी, और इस तरह इसको मैंने रैप कर दूंगी। ओके व्यूअर्स, ये देखिए मेरे चिकन क्रिस्पी चिकन रैप बन चुके हैं, और ये देखने में बहुत यम्मी लग रहे हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे साथ ही रिंग बेल है तो उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली जो भी रेसिपी है वो आपको सबसे पहले मिले। बहुत सारी नेक दुआओं के साथ, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।